हे गुड मॉर्निंग, क्या बोलती पब्लिक एक नए वीडियो में। नहीं, आज मेरे बर्थडे व्लॉग में आपका स्वागत है। वैसे मैं अपना बर्थडे इतना खुशी से, इतना धूमधाम से नहीं मनाता, नॉर्मली मनाता है। केक लाते हैं, डिवाइड करते हैं भाई बहन मम्मी पापा सबके हिस्से में और खा लेते हैं एक मील की तरह। इतना कुछ सेलिब्रेट नहीं होता, ऐसे कुछ फोड़ के बलून लगा के हैप्पी बर्थडे पीछे लिख के, जैसे मैं 19 साल का हो गया। और हाँ, बचपन से ही मेरे को इतनी आदत नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करने की, और बर्थडेज मेरे को इतने ज़्यादा पसंद नहीं। मेरे बाकी सबके बर्थडे मेरे को पसंद है, सबको मैं विश भी करता हूँ। मेरे बर्थडे के दिन पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करना और बर्थडे पे इतना विश लेना। वैसे कोई भी विश करता है तो बहुत अच्छा लगता है, पर फिर भी पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है। इससे आप ये मत सोचना कि आपने विश किया तो मेरे को बुरा लगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत बाद में आएगा, आपने विश कर ही दिया होगा। बचपन की भी अगर बात बताऊँ तो जैसे स्कूल में ऐसा होता था कि जिस दिन बर्थडे होता था हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे, अच्छे अच्छे जीन्स और टी शर्ट शर्ट कुछ भी पहन के जाते थे और पूरे स्कूल में चॉकलेट बांटते रहते थे, ऐसा होता था। उन बर्थडेज में भी मैं क्या करता था आपको पता है? उन बर्थडेज में मैं यूनिफॉर्म में ही जाता था, चॉकलेट बांट देता था अपने दोस्तों को, क्योंकि उनको पता होता था मेरा बर्थडे है। मैं जानबूझ के वो कपड़े पहन के नहीं जाता था। मम्मी भी मेरे को बहुत बोलती थी कि जाना ऐसे सब लोग पहन के आते हैं बर्थडे के दिन, तू भी पहन के जा। मैं बोलता था नहीं मम्मी, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बचपन से ही मैं ऐसा हूँ, पता नहीं क्यों। जाते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करेंगे, राजेश उठ चुका है, बेड ठीक नहीं है, जो मैं अभी करूँगा भी नहीं, मैं खा के आऊँगा फिर करूँगा। तो चलो ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, आज संडे है और आज संडे के दिन मेरे पास 6 या कुछ व्लॉग्स का पाइलअप है। पर अभी क्या हुआ है कि रॉकी ने वॉमिट करी हुई है, तो अभी मैं उसको पहले हॉस्पिटल ले जाऊंगा। रॉकी को वेट के पास ले जाने के बाद मैं वापस आऊंगा, उसके बाद हम एडिटिंग पे वापस लगेंगे। सुबह से अभी तक मैंने एक एडिट ख़त्म कर लिया है तो वो सक्सेस है। आज से पहले शायद मैंने 2 या कुछ वीडियोज़ अपलोड किए होंगे एक दिन में, पर आज मैं है ना 3 या 4 वीडियोज़ अपलोड करूँगा एक दिन में, देखते हैं हो पाते हैं या नहीं। अभी एक तो एडिट हो गया तो वो अपलोड हो जाएगा, पर बाकी के कैसे अपलोड करने हैं वो सब का जुगाड़ देखता हूँ मैं। और अपलोड का सिस्टम तभी होगा जब मैं एडिट कर पाऊँगा, तो पहले मेरे को 4 वीडियोस एडिट करने होंगे। एक हो गई उसमें से, वो एक्चुअल में सैटरडे का वीडियो है और आज संडे है, मतलब मैं ज़्यादा 7 से ज़्यादा दिन लेट हो गया। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, बहुत बुरा। बेचारा सनी हर रोज़ वीडियो करता है, मैं उसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ ये चीज़। मैं काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जा रहा आजकल, एग्ज़ाम ऑफिस और इस सब के चक्कर में। पर ठीक है, आज संडे है, आज मैं फ्री हूँ, तो सबसे पहले मैं रॉकी को वेट के पास लेके जाता हूँ ताकि उसका जो भी दिक्कत है, बेचारा कुत्ता थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अभी वो ठीक हो गया था पर वापस आज थोड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा है उसको, तो उसको वेट के पास लेके जाते हैं। संडे है, पता नहीं वेट खुला होगा या नहीं। मैं थोड़े 2-3 फोन करता हूँ उसके लिए, उसके बाद पूरा दिन अपन एडिट और अपलोड में लगाएंगे। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट और ये है मेरी चाय, मैंने बनाई थी, उससे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बलून वलून लगाना, पार्टी वार्टी करना, धूमधाम से मनाना, ऐसा मेरे को नहीं पसंद, पर सब लोग करते हैं, अपनी अपनी मर्जी होती है। वो मेरे को नहीं पसंद, वो मेरा परसेप्शन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी लागू होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। सुबह रॉकी के डॉक्टर को हमने फ़ोन किया क्योंकि रॉकी ने खाने के बाद उल्टी कर दी थी, उसका कुछ रेमेडी मिल जाए तो अच्छा होता। फिर डॉक्टर ने बोला, एक टैबलेट उन्होंने सजेस्ट की कि ये टैबलेट आप रॉकी को दे के देखो, फिर एक दिन में अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कल हम लोग जाएंगे उसके हॉस्पिटल में। तो अब मैं जा रहा हूँ वो टैबलेट लेने और आई होप कि वो यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि वो डॉगी के लिए होती है और इतना नॉर्मली कोई भी चीज़ नहीं मिल जाती जो भी एनिमल्स और पेट्स से रिलेटेड होती है, और ख़ासकर वो भी ह्यूमन मेडिकल पे। पर उन्होंने ये बताया था कि मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पे, आप चेक करके देखो। तो मैं जा रहा हूँ लेने, मिल जाए तो अच्छा है। रॉकी की टैबलेट तो मिल गई पर वो सिर्फ 5 ही रुपये की थी, मुझे लगा महंगी होगी तो मैं थोड़े ज़्यादा पैसे ले आया था, तो छुट्टे नहीं मिले, तो भैया को मैं बाद में दे दूंगा। सुबह से मैंने कोई भी अपना सोशल मीडिया हैंडल चेक नहीं किया है, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो चलो अभी देखते हैं किस किस ने विश किया है, देखते हैं। देखने में मज़ा आता है कौन कौन विश करता है, किस किस को पता होता है अपना बर्थडे है आज, चलो देखते हैं। और जिन लोगों ने विश किया है उनको थैंक यू भी तो बोलना पड़ेगा, अगर किसी ने कॉमेंट करके विश किया है थैंक यू आपको भी। अगर अभी हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बड़ी एक मैच जो आ रही है, कलर्स पे एक सीरियल आती है उसमें मैच चल रहा है जो WTC से भी बड़ा हो सकता है, तो अभी हम लोग वो बड़े रोमांच से देखेंगे। एक परिवार के 2 हिस्से में बटी हुई टीम के बीच में वो मैच हो रहा है, तो देखने में बड़ा मजा आएगा। अभी जो मेरा सेकंड वीडियो है उसका एडिट खत्म हो चुका है, एक्सपोर्ट करने रखा हुआ है, अभी अपलोड भी हो जाएगा और बज रहे हैं 4। और अभी जस्ट मैंने वो वाला वीडियो एडिट किया जिसमें मैंने 3 वीडियो एडिट किए थे, जिस वीडियो में
बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। पर हाँ, उस वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया था कि कोई अपना जैवलिन थ्रोवर है जो प्रोबेबल है मेडल जीतने के लिए, और इतना मेंशन भी नहीं किया था नीरज चोपड़ा को, पर नीरज चोपड़ा कल गोल्ड मेडल जीता है, मतलब पूरे इंडिया को इतना प्राउड फील करा दिया। और बड़े ही सालों बाद गोल्ड मेडल आया ओलंपिक्स में, मतलब लंदन ओलंपिक्स में नहीं आया था, रियो में नहीं आया था, और अब भी आया टोक्यो में। मेरे को लग रहा था कि अभिनव बिंद्रा ने लंदन में जीता था, मैं डिबेट कर रहा था अपने ऑफिस में एक भाई के साथ, और वो भी इतने श्योर नहीं थे तो वो भी पीछे हट गए। वो ऐसा बोल रहे थे पहले कि बीजिंग में जीते हैं, पर मैं बोल रहा था कि नहीं नहीं लंदन में जीते हैं, पर फिर रियलाइज हुआ कि बीजिंग में ही जीते हैं। एनीवेज, आज हमारा टेस्ट का आखिरी दिन भी है, हम लोग शायद टेस्ट मैच जीत जाएंगे, कल शाम को सनी ने बताया होगा आप लोग को। अभी मैं आगे वाले एडिट्स पे लगूंगा और शायद बाल कटवाने भी जाऊँ, हो सकता है। 7:30 बज चुके हैं और आज का दिन जो डे 5 था अभी तक शुरू नहीं हुआ टेस्ट मैच का, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है क्योंकि हम बहुत अच्छी कंडीशन में थे और सब कुछ हमारे फेवर में था, बस वेदर कंडीशंस हमारे फेवर के अगेंस्ट चली गई, और वही मेन चीज होती है। अगले आधे घंटे में अगर अच्छी न्यूज आ जाए तो ठीक है, वरना तो मैच ड्रॉ ही होने वाला है। मैंने पिछले 20-30-40 दिन से पता नहीं कितना वर्कआउट नहीं किया है, और आज से मैं वर्कआउट करना शुरू कर सकता हूँ, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। घर पे वर्कआउट करने का मन बिल्कुल नहीं करता गाइज, अगर आप करते हो तो आपको पता होगा, अगर आप करते थे तो भी आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप करते थे और अभी आप नहीं करते तो आपकी और मेरी कंडीशन सेम है। तो गाइज, आज का दिन खत्म होता है, मैंने दूसरा वीडियो अपलोड कर लिया, उसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि डेटा वेटा खत्म हो गया था, और फिर मैंने फिर तीसरा वीडियो एडिट ही नहीं किया। मैं क्या कि तीसरा अपलोड ही नहीं होगा तो एडिट कैसे करूँगा। वैसे मैंने दोनों अपलोड पब्लिक कर दिया, मतलब दोनों अपलोड आप जाके देख सकते हो। अब मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा कवर अप तो नहीं कर पाया, पर कुछ नहीं से बेटर ही था, और आज संडे थोड़ा तो यूज़फुल गया मेरे को लगता है। अभी मेरी एग्ज़ाम खत्म हो जाएगी, तो मेरे को लगता है कि एक जो दिमाग में थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड चलते रहता ना कि एग्ज़ाम है, तो वो चीज़ हट जाएगी। वैसे एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता नहीं हूँ और ऐसा सब है, पर फिर भी बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि हाँ चलो एग्ज़ाम भी है, ये भी है, वो भी है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर लेता है कैसे न कैसे। मेरे को पता नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लॉजिकल भी है या नहीं, पर हाँ वो चीज़ होती है। और आज 5th और लास्ट डे था फर्स्ट टेस्ट मैच का, वो वॉश आउट हो गया। मतलब अगर आप इंडियन फैन हो तो आप बोलोगे कि हम लोग बहुत ही क्लियरली ये मैच जीत रहे थे, अपन फ्रंट फुट पे थे, बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच हाथ से निकल गया, बारिश हो गई उधर, पूरा दिन में एक बॉल भी नहीं डाला। अगर मेरे को लगता है एक सेशन भी होता तो अपन जीतने की पूरी ट्राई करते, वो पंती स्टाइल में खेलते सब लोग। और सनी फिलहाल सो चुका है, मेरे को भी सोने का है, अभी कल मेरा आखिरी एग्जाम है और लिटरली आखिरी दिन है कॉलेज का। अभी जो मैं वीडियो एडिट करने वाला था वो 300 नंबर वीडियो होगा, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 306 या कुछ नंबर का वीडियो है। व्लॉग नंबर 113 जो होगा वो 300th वीडियो है मेरा, 300 वीडियोस के ऊपर कंप्लीट हो गए मेरे यूट्यूब पे फीलिंग। बस कुछ और महीने और उसके बाद अगर आप मेरा चैनल देखोगे और हर रोज़ एक एक वीडियो भी देखोगे तो पूरे साल तक एक नया वीडियो देख पाओ, इतने वीडियोस होंगे मेरे चैनल पे। कोई ऐसे कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, बट एनीवेज गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आप देख रहे हो इतने डीले, इतने इधर उधर होने के बाद, इतना मगजमारी होने के बाद, इतना सब होने के बाद भी अगर आप देख रहे हो तो रियली थैंक यू। और बस ऐसे ही देखते रहो, मैं पाइल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन पाइल में से बाहर निकल गया उस दिन ये पाइल वापस बढ़ने नहीं दूंगा एडिट वाला। अभी भी मैं 7 वीडियोस के पाइल के नीचे दबाई हुआ हूँ, पर कैसे न कैसे करके मैं सांस वांस लेके, और ये चीज़ ऐसी है कि हर रोज़ एक वीडियो का पाइल बढ़ जाता है, तो अगर मैं 2 भी हटाता हूँ तो एक दिन के एंड में वापस बढ़ ही जाता है। जैसे कि ये वीडियो भी ख़त्म हुआ तो ये वीडियो भी फाइल में ऐड हो गया। इस फाइल को जितना जल्दी नीचे से मटा पाऊँ उतनी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश को देखते रहने के लिए नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा दूँ, उसके बाजू में बेल होगी वो भी दबा देना, ताकि जो भी कोशिश मैं करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके लॉक स्क्रीन तक मैं ही लेके आ जाऊँ। उसकी कोशिश नहीं, उसकी गारंटी दे दूँ। ठीक है, कल मिलता आपको, तब तक के लिए पीस आउट।